खंजी थाना क्षेत्र में सरिया लदी ट्रक की लूट तथा उसके ड्राइवर की हत्या के मुख्य आरोपी वांछित चल रहे मुख्य अभियुक्त शेष नारायण कोरी पुत्र सहज राम निवासी पांडेपुरवा थाना करलैनगंज जनपद गोंडा के गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने 25,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP ने बताया कि ट्रक ड्राइवर की हत्या कर सरिया लूटने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक अभियुक्त का भाई भी शामिल है, लेकिन अभी भी मुख्य अभियुक्त पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश की जा रही है, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, SSP शलभ माथुर ने बताया। ये शेषमणि का नाम प्रकाश में आया था, एक सरिया लूट की घटना हुई थी जिसमें ट्रक चालक की हत्या भी की गई थी। ये पिछले महीने 13 तारीख की घटना थी और इसके अंदर 394-302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अज्ञात में इसका पुलिस ने अनावरण किया था और विगत सप्ताह इसका अनावरण करते हुए 4 लोग को जेल भेजा गया था। इसमें 2 लोग मौके पर हत्या में शामिल थे। इसी घटना के अंदर एक वांछित जो प्रकाश में आया शेष नारायण, उसके ऊपर 25,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। हमारी लगातार प्रयास है कि उसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इसके 4 साथी गिरफ्तार किए गए थे, एक तो इसका सगा भाई था और एक इसके साथ जो इनिशियली खलासी का काम करता था और बाद में उस घटना में शामिल था। इन 3 लोगों ने मिलकर मौके पर हत्या की थी। उसके बाद जो बीच में मीडिएटर का काम किया और जो खरीद के आगे सरिया जो बिकवाने का काम किया, उन 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया था। एकमात्र अभियुक्त शेष रह गया, इसकी भी अतिशीघ्र गिरफ्तारी की गई।